नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से, जहां अतरौलिया में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बता दें कि अतरौलिया शिक्षण क्षेत्र के BRC में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत खंड शिक्षा अधिकारी जगदीश यादव के नेतृत्व में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें प्राथमिक विद्यालय प्रथम, कंपोजिट विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं कस्तूरबा विद्यालय के बच्चों और बच्चियों ने हिस्सा लिया। रैली में सैकड़ों की संख्या में बच्चे हाथ में बैनर, तख्ती व झंडे को लेकर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किए। इस दौरान आधी रोटी खाएंगे, स्कूल जरूर जाएंगे, मम्मी पापा हमें पढ़ाओ, स्कूल में चलकर नाम लिखाओ, बेटा बेटी एक समान, सबको मिले प्राथमिक ज्ञान आदि नारे लगाते हुए पूरे नगर पंचायत में भ्रमण कर लोगों को जागरूक कर रहे थे। बच्चों के नारे को सुनकर लोग घर से बाहर निकलकर उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। तत्पश्चात यह जागरूकता रैली पूर्ण विद्यालय परिसर में समाप्त हुई। खंड शिक्षा अधिकारी जगदीश यादव ने बताया कि नगर पंचायत में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत बच्चों को घुमाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है। 5 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त बच्चों का प्राथमिक विद्यालय में 100% नामांकन सुनिश्चित कराना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। कोई भी कहीं भी कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित ना रह जाए, हमारा बेसिक शिक्षा विभाग इस बात को लेकर कृत संकल्पित है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना शासन और विभाग की प्राथमिकता है, जिस पर हम लोग काम करेंगे। इस मौके पर ARP राजकुमार, विनोद कुमार, वैभव कांत, देवेंद्र शर्मा, सुधीर पांडे, पूनम यादव, अक्षय कुमार सिंह, उमेश कुमार, सुरेंद्र प्रसाद, किरण बाला, जगन्नाथ सिंह, कैलाशी देवी, अनामिका कुशवाहा आदि लोग उपस्थित रहे। शिक्षा क्षेत्र में स्कूल चलो अभियान के लिए रैली निकाली गई, ये रैली कहाँ से कहाँ निकली और इसका मकसद क्या है? ये नगर पंचायत अतरौलिया में बच्चों को स्कूल चलो अभियान की रैली के अंतर्गत घुमाया गया है। इस रैली का उद्देश्य है कि हमारा नवीन शैक्षिक सत्र प्रारंभ हो चुका है और जो हमारे बच्चे 5 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं, उन समस्त बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित कराया जाना, यह हमारा उद्देश्य है। कहीं भी कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित ना रह जाए, हमारा बेसिक शिक्षा विभाग इस बात को लेकर कृत संकल्पित है और निश्चित रूप से हम 100% बच्चों को बेसिक शिक्षा के स्कूलों में लाने में कामयाब होंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराया जाना शासन का विभाग की सर्वप्रथम वरीयता है, इस पर हम लोग काम करेंगे।